नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। जैसे कि हम अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं और हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा इनको अच्छे से समझ लिया है, और अब बात आती है ध्यान की। तो धारणा, ध्यान और समाधि जो हैं, ये अंतरंग योग हैं और इन्हें किसी भी ध्यानात्मक आसन में करना चाहिए। तो जैसे कि हमने धारणा में देखा था कि किसी भी एक टॉपिक पर हमारे मन को स्थिर करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो अब जो ध्यान है, अगर धारणा जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है, यानी हमने अगर कुछ टाइम के लिए भी किसी सब्जेक्ट पर अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो उस चीज़ को धारणा कहते हैं। लेकिन अगर हमने कंटिन्यू उस पर कॉन्सेंट्रेट हम किए जा रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो गई? ध्यान हो गई। और ध्यान ही मेडिटेशन है, जिस मेडिटेशन की बात की जाती है। तो अब ये तो हुई डेफिनेशन की बात, अब जो ध्यान है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है स्थूल ध्यान। तो इसमें क्या होता है कि जो स्थूल चीज़ें होती है, बड़ी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई इष्ट देव हैं, है ना, जिनको आप मानते हैं, तो उनकी मूर्ति रख सकते हैं, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये होता है स्थूल ध्यान, जिसमें जो चीज़ें होती है जिन पे हम ध्यान लगाते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, वास्तविकता में होते हैं, है ना। अब एक होता है ज्योति ध्यान। उसमें क्या होता है कि जैसे जो जलती हुई अग्नि होती है, उसकी जो ज्वाला होती है, उस पर ध्यान लगा सकते हैं, या तो फिर दीपक या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये हो गया ज्योति ध्यान। इसके अलावा एक होता है बिंदु ध्यान। तो इसमें क्या होता है कि आंखें बंद करके और बिंदु के समान जो ब्रह्म कुंडलिनी है, उसका ध्यान लगाया जाता है। तो ये होता है बिंदु ध्यान। ये तीन टाइप के जो ध्यान हैं ये होते हैं। इसके अलावा दो और डिवीज़न भी किए जाते हैं, जैसे सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो पहले सगुण ध्यान की बात करें तो सगुण ध्यान में क्या होता है कि जैसे कि जो ईश्वर है या परमात्मा है, उनके जो स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो उसे सगुण ध्यान कहते हैं। इसको ऐसे समझें कि शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माता जी, दुर्गा माता जी, गणेश जी। तो जैसे जैसे मैंने ये नाम लिए, वैसे वैसे आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी। जैसे कि जैसे ही मैंने कहा शिव जी, तो वैसे ही आपके दिमाग में आया होगा कि एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, सिर पे चंद्रमा है, वहाँ से गंगा जी निकल रही हैं। तो इस टाइप का आपने सोच लिया होगा पूरा, कि नीले रंग के हैं वो, नीलकंठ भी कहते हैं हम उनको, और शेर की खाल है वो पहने हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड में आ जाती हैं, उनका स्वरूप आ जाता है मन में। तो अगर इस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो वो सगुण ध्यान कहलाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है निर्गुण ध्यान। तो इसमें क्या होता है कि जो परमात्मा है, उनका जो स्वरूप होता है, उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसा आकार है, लेकिन हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं निर्गुण ध्यान। तो ये हो गई ध्यान की बात। और मैं आशा करती हूँ कि अब आप बेहतर तरीके से ध्यान या मेडिटेशन कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने जानी हैं। और वैसे अभी तक हम ये बात करते थे कि मेडिटेशन या ध्यान मेनली क्या होता है, तो ये होता है ध्यान या मेडिटेशन। तो इसके लिए पहले जो अष्टांग योग के पहले वाले अंग हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।